बात कर रही हूँ, आप बात कर रहे हैं, एनालिसिस हो रहे हैं, चीजें आ रही हैं रिकॉर्ड पे। हुकूमत कहती है जी ऑडिट करवा ले, थर्ड पार्टी से ऑडिट करवा ले, इंटरनेशनल ऑडिट करवा ले, कोई बेजाब्तगी आपको किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी। अगर ऐसा है या नहीं है तो बातें फिर क्यों हो रही हैं, क्यों जबानें ज़दे आम हैं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इतनी लान तान की जा रही है इस हवाले से? अच्छा आसमा दीदी, गुजारिश ये है कि पहले 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध और वफाक में थी, सिर्फ मुझे बता दें कितने लोगों को एहतसाब के नाम पर पकड़ा गया, करप्शन के नाम पर पकड़ा गया। पिशावर सानिया से पहले इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कितने लोगों को पकड़ा, मुझे फिगर बता दें ताकि मैं अपनी सलाह कर लूं, मैं तो सीखने आया हूं ना। उस वक्त तक तो बड़ा भाई छोटा भाई था, अन्ना वंडे रेहड़िया पोपो अपने, उधर वो खाई जा रहे थे, ये इधर खाई जा रहे थे। सानिया हुआ, उधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंटर हुआ, और दूसरी ये मनान साहब कह रहे हैं अगर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कोई एहतसाब का अमल आए, अगर मैं इनके 30% मिनिमम जिनको मैं जानता हूँ करप्शन साबित ना कर सकूं तो मीनारे पाकिस्तान में मेरी गर्दन उतार दी जाए। कौन से 30% मेरा भाई बता दे ना, आप जो इतना बड़ा दावा मीडिया पे बैठ के करते हैं, आए बैठे मेरे साथ चले अगले सेशन में बैठ कर सारी बात करते हैं। सुन ले ना, मेरी एक गुजारिश है आसमा बीबी के मीडिया पे बैठ के बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बात करें ना, आप जवाब जरूर दे देंगे उनकी बात सुन ले बात। मेरे माजरत के साथ आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएं, आप थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, आप साबित करें, हम हाजिर हैं। हम सर उनकी गुजारिश सुन लें, सर से बात सुन लें। जी जी फरमाइए। ये बातों से कुछ नहीं होगा। अच्छा भट्टी साहब की बात सुन लें, मेरी गुजारिश है ये बातें सुनते सुनते हम भी बूढ़े हो गए। मुलान साहब का नाम ना मुलाना हफ्सा की रख दे, इन्हें इमाम का क्या नाम रख दूं, आपका क्या नाम रख दूं मैं? अच्छा अच्छा थोड़ा सा हम दायरे में रह के बात तरीके से कैलकुलेट करके और दायरे में रह कर करें। ये फिर बोलते जा रहे हैं बीच में, इन्हें किसी ने समझाया ही नहीं कि टॉक शो में और कबाड़ खाने में फर्क होता है, इन्हें थोड़ा सा ये समझा। यार तुम अपनी जुबान को कंट्रोल। अच्छा मनान साहब एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट मियां मनान साहब, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, चले जरूर को घुस भी लिया नहीं हूँ, बस एक मिनट ना उनकी उनका पॉइंट। तुम्हें अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, आप उनकी बात खबरदार अगर किसी की तरफ उंगली उठाई तो। जी भट्टी साहब फरमाएंगे, जुबान बंद करो अपनी, किसका गिज्जे। अच्छा बस एक मिनट, मेरी दोनों से गुजारिश है, मैं देख लूंगा तुम्हें, तुम मुझे देख लेना, जबरदस्ती से बात कर।